मसौढ़ी में मोटरसाइकिल लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। गठित टीम के द्वारा गुप्तचर एवं तकनीकी अनुसंधान के सहयोग से इस लूटकांड में सम्मिलित सभी 8 लुटेरों को पुलिस ने मसौढ़ी के विभिन्न क्षेत्रों से धर दबोचा है और इसके साथ ही लूटे गए सभी मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। इस कांड में संलिप्त सभी लुटेरों ने अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इस आशय की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने मसौढ़ी थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। मसौढ़ी थाना अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी की बात है कि एक अपराधकर्मी, जिनका नाम है नीतीश कुमार, वो बाइक की चोरी करते हुए पकड़े गए। उन्हीं की निशानदेही पर उनके गैंग के अन्य मेंबर, जिसमें कि राजेश कुमार, मुस्कान और सतीश कुमार का नाम उन्होंने अपनी पूरे बयान में बताया था कि ये लोग सामूहिक रूप से 5 लोग गैंग में मूव करते हैं और एक आदमी कहीं पे भी जहाँ पे भारी मात्रा में बाइक बरामद हो वहाँ पर एक गाड़ी के पास बैठता है और चाबी लगा के गाड़ी को खोलने का प्रयास करता है। बाकी सब लोग उस पर निगाह भी रखते हैं, कभी कोई आना जाना। ये लगभग 6 महीने से ऐसे बाइक चोरी कर रहे थे। इनका मुख्य जो लोकेशन थी वो थी रजिस्ट्री ऑफिस और गुमटी के आसपास में, जहाँ पर भारी मात्रा में बाइक बरामद होती। 6 महीने से लगभग ये लोग हमारा चोरी का धंधे में शामिल थे। उसमें ये लोग पहले चेन्नई में काम करते थे, चेन्नई में इनका काम सही नहीं चला। उसके बाद में जब ये वापस आए तब इन्होंने इसकी योजना बनाई। चोरी की गई बाइक को ये कई लोगों को बेचा करते थे, जिसमें भूमिका जिनकी शामिल सामने आई है वो है राम सबरत यादव, जो भदरोही के रहने वाले हैं और ये मुख्य तौर पर शराब का धंधा करते हैं। जी, उनके पास से 12 बाइक बरामद हुई है और सभी इन्होंने शराब को लेने जाने के लिए इस्तेमाल की करने के लिए हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं और इसलिए इन्होंने खरीदी हुई थी। एक बाइक को तकरीबन 6,000 से 7,000 के मूल्य में ये लोग खरीदते थे और जो खरीदते थे वो आगे भी कई बार गाड़ियों को बेचा करते थे। इनके अतिरिक्त 2 और लोग जिनको इन्होंने गाड़ी बेची गई है उनको गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम हुआ अतुल साव, जो खुशवंत धनोवा के रहने वाले हैं, और अविनाश कुमार उर्फ नागू, ये भी खुशवंत धनोवा के रहने वाले हैं। इनमें से मुस्कान जो हैं, जो प्राथमिकी अभियुक्त अभी बनाए गए हैं इस केस में, ये पहले भी जेल जा चुके हैं, पहले नौबतपुर के मामले में और एक बार मसौढ़ी के मामले में। इसके अतिरिक्त राम सरनाथ यादव शराब के मामले में पिपरा थाना से 2022 में जेल जा चुके। कितने लोग सर गिरोह में शामिल थे सर? इनका अपराध क्षेत्र क्या था, कहाँ था? इनका अपराध क्षेत्र मसौढ़ी थाना अंतर्गत, धनोरा थाना अंतर्गत, नौबतपुर थाना अंतर्गत और पिपरा थाना अंतर्गत। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।